नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 19। तो आपको बता देते हैं कि अब तक आपने सुना होगा कि किसी राज्य को, किसी जिले को शराब मुक्त बनाने के लिए सरकार काफी प्रयास करती है, लेकिन अब हम बात करेंगे नशा मुक्ति की। इस समय डूंगरपुर में यानी तम्बाकू से मुक्ति पाने के लिए एक आयोजन चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत डूंगरपुर को नशा मुक्त, तम्बाकू मुक्त बनाने का ऐलान किया है। सिर्फ कॉलेजों में ही नहीं, अब सरकारी दफ्तरों में भी इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। अगर तम्बाकू बेचता हुआ या खाता हुआ मिलता है कोई भी, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए पहले आपको वह अभियान बता देते हैं कि किस तरीके से अभियान में क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तम्बाकू खाने से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग जागरूकता के साथ सख्ती बरतेगा। सरकारी दफ्तरों में अधिकारी से लेकर कर्मचारी के तम्बाकू खाने पर पाबंदी रहेगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के आसपास 100 मीटर की दूरी में तम्बाकू बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। दुकानदारों को पहले तम्बाकू नहीं बेचने के लिए पाबंद किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई व्यापारी तम्बाकू का सामान बेचते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CMHO डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में सबसे ज़्यादा तम्बाकू सेवन होता है। तम्बाकू के साथ ही गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसे उत्पाद भी बड़ी मात्रा में बिकते हैं। इससे पुरुष से लेकर महिला, युवा और बच्चे कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लोगों को इन बीमारियों से बचाने के लिए साथ ही जिले को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई। साथ ही CMHO ने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी दफ्तरों को तम्बाकू मुक्त बनाने पर काम होगा। सरकारी ऑफिस में तम्बाकू खाने वाले अफसर से लेकर कर्मचारी को तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं आम लोगों को भी तम्बाकू नहीं खाने के लिए जागरूक किया जाएगा। और CMHO ने बताया कि लोगों को तम्बाकू खाने से होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में बताएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।